आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लग गई हैं। आज बादली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अजेश यादव ने भलसवा के जे कॉलोनी में अपनी पदयात्रा निकाली, जहां के लिए भलसवा डायरी इलाके में इलाके के लोगों ने उनके समर्थन में और आम आदमी पार्टी के समर्थन में खूब नारे लगाए। पूर्व निगम प्रत्याशी और वार्ड अध्यक्ष सुरेश शर्मा की देखरेख में भारी संख्या में वहां मौजूद लोगों ने पुष्पों का हार पहनाकर विधायक अजेश यादव का जबरदस्त स्वागत किया। लड्डू भी बांटे गए। सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराया गया। अपने भाषण के दौरान विरोधी पार्टियों और पूर्व MLA को घेरते हुए क्या कहा अजेश यादव ने, आइए सुनते हैं। जैसे अक्सर कहते हैं कि भाई हमने इसका स्वागत करा था, इसका बड़ा साथ दिया था और भाई बड़ा गलत काम किया था, आप हमेशा यही कहेंगे कि हमने ठीक टाइम पे अपने भाई अजेश को उस वक्त चुनकर एक अच्छा काम किया था, क्योंकि आने वाले जो 5 साल है अभी बहुत काम करने बाकी हैं हमें, और अपने इस पूरे इलाके को अपनी विधानसभा की मैं गारंटी देता हूँ दिल्ली में नंबर 1 बना के छोड़ूंगा, पूरी दिल्ली में नंबर 1 बना दूंगा। भाषण के दौरान विकास कार्यों को बताते हुए लोगों से वोट देने की अपील की। इस कड़ी में जब स्थानीय आप प्रत्याशी अजेश यादव और वार्ड अध्यक्ष और पूर्व निगम प्रत्याशी सुरेश शर्मा से बातचीत की और पूछा कि किन मुद्दों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो क्या कहा दोनों ने, आइए सुनते हैं। विधानसभा में कोई भी ऐसी गलती नहीं होती जहाँ पर विकास कार्य ना पहुँचा हो। कहीं काम चल रहा है, कहीं काम हो चुका है, पूरे क्षेत्र में हर जगह काम फैला हुआ है और काम पूरी तेज गति से चल भी रहा है, और हमें पूरा विश्वास है आने वाले 2 या 3 महीने में पूरा काम इस तरह से हो जाएगा कि इस कॉलोनी इस इलाके में कोई काम नहीं बचेगा। इसी कड़ी में हमने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और यहाँ तो स्थानीय लोगों ने उनके पेपर में गाने बना रखे थे और उन्होंने अपना गाना सुनाते हुए उनके विकास कार्यों का बखान करने लगे। भारी भीड़ बड़े अंदर खड़ी गाल में हो रही है, अजेश के चाहने वालों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, आम पार्टी फिर से जीत या कहरी दुनिया सारी, फिर विधायक अजेश बनेंगे या ये चाहत हमारी। कभी मुद्दे तो बहुत हैं और चलते रहते हैं, लेकिन इनके कामों तो हम बहुत खुश हैं। अजेश ने बहुत काम करे हैं और इतने काम करे कि कोई कमी नहीं छोड़ी। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में, जब कभी अस्पतालों में सुनवाई नहीं होती थी, आज सुनवाई हो रही है। लोग परेशान रहते थे, आज परेशान नहीं है। लोगों को 1 रुपये की गोली भी खरीद के लानी पड़ती थी, आज फ्री मिलती है। इतनी सुविधा करी है, पढ़ाई के ऊपर बहुत बड़ी सुविधा करी है उन्होंने। अरे ये बीजेपी चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ चलाया है, ऐसा होता है तो पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रेप यहाँ पर इंडिया में होते हैं। भयंकर ने जो कहा था कि यहाँ पे एक लड़की एक्सीडेंट हो, हंसी बात तो मेरे दोस्त की बहन थी जिससे एक्सीडेंट होता। सर मैं तो MCD पे सीधे सीधे कहूँगा, जब वहाँ से पैसा आ चुका है आगे से पास हुआ तो उन्हें काम करना चाहिए था। वजह क्या है, क्यों नहीं लगाया गया पैसा, ये इस चीज़ का जवाब जो है हमें MCD से चाहिए। जब विधायक जी पैसा पास कर चुके हैं, वो खुद बोल रहे हैं जनता। चुनाव के समय सभी पार्टियों के समर्थक अपने प्रत्याशी की जीत की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई आने वाली 11 तारीख को ही पता चल पाएगी कि बादली विधानसभा से जनता ने किसको अपना विधायक चुना है। भारत दर्पण टीवी के लिए हमारे संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। भाई अजेश यादव जिंदाबाद, भाई अजेश यादव जिंदाबाद, बटन दबेगा झाड़ू गए, बटन दबेगा झाड़ू गए, बटन दबेगा झाड़ू गए, बटन दबेगा झाड़ू गए। आप देख रहे हैं भारत दर्पण TV।